नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। आज लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर चुनाव, तो कौन यहाँ प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दावे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और जिस कारण से अब यहाँ पर चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश ही केंद्र को रास्ता जाता है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कई बड़ी योजनाएं और कई तरह से यहाँ रणनीति तैयार की है, तो किसके दावे में कितना दम है, वही अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारा, यहाँ महाविकास आघाड़ी का फॉर्मूला तय हो चुका है, जिसमें शिवसेना ठाकरे 21 सीट, एनसीपी 14, कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है, जिस कारण से यहाँ पर नीतीश कुमार भी अब बड़े दलों के साथ यहाँ गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इससे पहले 2023 के लिए जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनके परिणाम भी काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं कई राज्यों पर काफी कुछ असर देखने को मिला है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और कर्नाटक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव की जो रास्ता उसको तय करेंगे। आखिर किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि राहुल गांधी 372 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को उन्होंने टारगेट किया है। तो किसके दावे में कितना दम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2000 अगर बात की जाए 19 में तो बीजेपी ने 303 सीटें, जहां कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई थी। 2014 में भी आंकड़े कुछ इसी तरह के रहे कि 282 सीटें बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस 44 सीट, लेकिन 2009 में बीजेपी 116 सीट, कांग्रेस ने 206 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इसी टारगेट को लेकर कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो वापसी कर सकते हैं। तो किसके दावे में कितना दम है, विपक्ष एक साथ जरूर आया है लेकिन एक साथ आने के साथ कितना फायदा उनको मिल सकता है, क्योंकि काफी हलचल हो चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए। 9 राज्यों की विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और ऐसे में इन राज्यों पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कितना फायदा उठा पाएगी, विपक्ष एक साथ आकर क्या 2024 की तैयारी कर पाएगा। इस वक्त अगर बात की जाए तो बीजेपी पूरी प्रचंड से यहाँ 2024 की तैयारी में जुटी है। मोदी कैबिनेट में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, कई बड़े चेहरों को यहाँ पर बाहर किया जा सकता है और कुछ बड़े यहाँ चेहरों को फिर से शामिल किया जा सकता है। बीजेपी मिशन 2024 के लिए सभी प्रदेशों में प्रभारी की लिस्ट भी जारी कर चुकी है। तो सवाल है कि आज अगर लोकसभा चुनाव, तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या वनवास स्वर्ग गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है, इस पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 543 सीटों में से 272 सीटों पर किसे बहुमत मिल सकता है, तो दिल्ली की 7 सीटों के आंकड़ों में बात की जाए तो 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहां 56% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में रहा था, कांग्रेस को यहां 22%, आम आदमी पार्टी 18%, लेकिन आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में है, जिस कारण से बीजेपी बसेस माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में हो सकता है दिल्ली के लिए। आम आदमी पार्टी जिस कारण से विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की है, उसके बाद दिल्ली की 7 सीटों का जो गणित है वो अब सामने आ रहा है। इसमें बीजेपी 5 सीटों पर आराम से जीत सकती है, लेकिन 102 सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौतियां आम आदमी पार्टी से मिल सकती है। केरल की 20 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी हलचल हुई है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने यहाँ से शुरू की थी और जिस कारण से यहाँ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अब सदस्यता रद्द हो चुकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यहाँ पर अच्छी जीत मिल सकती है, अच्छी सीटें मिल सकती है। एक सीट या बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, कांग्रेस को करीब 17 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, एलडीएफ को एक सीट और या अन्य के बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी एक सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी केरल में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हो सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और क्योंकि ममता बनर्जी भी अब विपक्ष के एक पॉपुलर नेता बन चुके हैं और ऐसे में उनका दावा भी है कि 2024 में वो पीएम बन सकती है विपक्ष की तरफ से। लेकिन अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट के लिए, जबकि तृणमूल कांग्रेस को यहाँ 22 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार के जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे उसमें बीजेपी और टीएमसी के बीच बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 20 सीट टीएमसी, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। भाई जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ सीधे तौर पर बीजेपी को जमकर फायदा हो रहा है। यहाँ 2019 में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी को 4 से 5 सीट मिल सकती हैं, जो अनुमान ओपिनियन पोल लगा रहा है। इस हिसाब से बीजेपी को यहाँ 4 से 5 सीट, पीडीपी को 0 से 1 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट पर सिमट सकती है, जो जम्मू कश्मीर की 6 सीटों का चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना भी काफी महत्व
टाइफून माना जा रहा है और यहां से 17 लोकसभा सीटें आती हैं। 2018 की बात की जाए तो यहां तेलंगाना को यानी टेरस को सबसे ज्यादा 9 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 3 सीट, बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि यहां से करीब 8 से 10 सीट वो निकाल सकते हैं, जिस कार का माहौल तेलंगाना में बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। लेकिन किसके दावे में कितना दम है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर करीब 8 से 10 सीट मिल सकती है। 13 यहां पर अब सिमट रही है 0 से 5 सीट, एएन पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 0 से 3 सीट पर जीत की संभावना तेलंगाना को लेकर लगाई जा रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात की जाए तो 2019 में भी सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से भी यह उत्तराखंड में बीजेपी को सभी सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 2019 में बीजेपी ने यहां पर सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहां पर अगर बात की जाए तो इस बार अगर बात की जाए तो बीजेपी को 102 सीट का नुकसान हो सकता है। करीब 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस को 0 से 2 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। मेघालय की 2 सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली थी 2019 में, कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट यहां पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में रही थी। इस बार जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से भी कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट यहां पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना मेघालय में लगाई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था 2019 में, लेकिन इस बार भी माना जा रहा है कि बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। लेकिन पंजाब में बड़ा उलटफेर हो चुका है, पंजाब की 13 लोकसभा सीटें आती हैं, पंजाब में अब आम आदमी पार्टी सरकार में आ चुकी है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। देखिए 2019 की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी और यहां पर एनडीए से अलग होकर श्रोमणी अकाली दल अलग चुनाव लड़ रही है और ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर रही थी। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को करीब 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है करीब 3 सीट का, यहां 5 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, श्रोमणी अकाली दल 2 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को करीब 4 सीट की संभावना लगाई जा रही है, यानी आम आदमी पार्टी को यहां पर 3 से 4 सीट मिल सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है, कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर जीत मिली है और 2019 में भी सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां कमल खिलाया था। इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सभी 26 सीटों पर एक बार फिर से एक बड़ी जीत यहां पर मिल सकती है, यानी गुजरात बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जबकि मिजोरम की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर मेजो नेशनल फ्रंट ने हासिल की थी जो कि एनडीए का सदस्य है और इस बार भी माना जा रहा है कि कांग्रेस को यहां पर फायदा हो सकता है, इस बार कांग्रेस का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2019 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां बीजेपी को करीब 23 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट, 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी काफी हलचल हुई है, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी लेकिन अब अलग अलग हो चुकी है, जहां एक शिवसेना या शिंदे गुट के साथ तो एक शिवसेना या ठाकरे के साथ नजर आ रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। देखिए 2019 में जहां बीजेपी ने यहां 23 सीटों पर जीत हासिल की थी तो शिवसेना ने 18 सीट, 1 सीट यहां पर कांग्रेस और 4 सीट यहां पर एनसीपी के पक्ष में रही थी। बीजेपी एनडीए के साथ जो कि शिंदे गुट है उनको करीब 33 से 35 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 सीट, एनसीपी को 5 सीट और यहां पर ठाकरे शिवसेना को करीब 8 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीट, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के पक्ष में रही थी और इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। सिक्किम की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर जो है सिक्किम पार्टी के पक्ष में रही थी और इस बार भी ये माना जा रहा है कि सिक्किम पार्टी के ही पक्ष में ये सीट जा सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी, इस बार अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है, दोनों सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी यहां पर कमल खिला सकती है। असम की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में यहां पर 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस को 3, 1 सीट यहां पर एएन पार्टी और 1 सीट यहां पर निर्दलीय के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो असम की 14 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को इस बार करीब 10 लोकसभा सीट मिल सकती है, 1 सीट यहां पर एआईडीएफ के पक्ष में, 2 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां लगाई जा रही है। बिहार में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है, बिहार में बीजेपी प्लस नीतीश गठबंधन टूट चुका है, जहां बीजेपी को 2019 में
17 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, 16 सीट यहां पर जेडीयू के पक्ष में रही थी और एनडीए ही जो कि यहां पर एलजेपी पार्टी रही थी उसको 6 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस केवल एक सीट पर ही सिमट गई थी। लेकिन यहां पर बड़ा लड़ाई फिर हो चुका है, अब जेडीयू जो है यहां पर विपक्ष के साथ आ चुकी है, यानी यहां पर जो यूपीए का एक गठबंधन है उसके साथ है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी को अब यहां नुकसान हो सकता है। तो इस हिसाब से बीजेपी अपने दम पर 16 से 20 सीट निकाल सकती है, जेडीयू को 12 और यहां पर आरजेडी को 10, कांग्रेस को यहां 1 और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर जीत की संभावना बिहार ओपिनियन पोल ने लगाई है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर 2019 में 12 सीटों पर यहां पर बीजू जनता दल ने हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 8, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में रही थी। इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को करीब 8 सीट मिल सकती है, बीजू जनता दल को 10, जबकि कांग्रेस को यहां पर फायदा हो सकता है, 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। अंडमान निकोबार के 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां पर नागा पीपल्स फ्रंट या कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट जबकि वाईएसआर को करीब 20 लोकसभा सीट मिल सकती है, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा वाईएसआर के पक्ष में सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए 39 सीटों के लिए तो काफी बड़ा वाला फिर यहां पर देखने को मिला था 2019 लोकसभा चुनाव में और इस बार यह माना जा रहा है कि यहां पर एक बार फिर से बड़ा वाला फिर हो सकता है, जिसका से 2019 में यहां पर यूपीए को यहां पर 38 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यहां पर एनडीए को केवल 1 सीट पर ही जीत मिली थी और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार अगर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि एआईडीएमके पक्ष में 8 सीट, डीएमके को 15, कांग्रेस को 10 और अन्य की बात की जाए तो 5 सीट मिल सकती है, यानी यूपीए को यहां पर जबरदस्त फायदा तमिलनाडु में हो सकता है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी दावा करे कि इस बार सभी 80 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। 2019 में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 62 सीटों पर जीत हासिल की थी और उनके यहां पर जो गठबंधन था उनको 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन जो बना था उसको 10 सीट और यहां पर समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी का आंकड़ा बढ़ सकता है, करीब 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 8 सीट, बीएसपी को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था 2019 में, जहां एनडीए को 25 लोकसभा सीटें मिली थी और अगर बात की जाए तो यूपीए को 1 सीट, जेडीएस को 1 सीट पर जीत की संभावना थी। इस तरह से ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को एक बार फिर से 20 लोकसभा सीट मिल सकती है, जेडीएस को 3 सीट, कांग्रेस को करीब 5 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 में से बीजेपी को करीब 26 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 0 से 2 सीट की संभावना लगाई जा रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो झारखंड में बीजेपी को करीब 9 सीटें मिल सकती है, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर एनडीए को 43% वोट शेयर जा सकता है, यूपीए को 29% वोट शेयर, अन्य की बात की जाए तो 28% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 298 सीटें मिल रही हैं, यूपीए को 153 सीट और अन्य की बात की जाए तो 92 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो एनडीए फिर से बहुमत का आंकड़ा हासिल करती नजर आ रही है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से 2024 में पीएम बन सकते हैं जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से जो आपसे सवाल पूछा था कि आज चुनाव तो फिर कौन जीत सकता है, इस पर देखिए गठबंधन को यानी एनडीए गठबंधन को 61% लोगों का मानना है, यूपीए गठबंधन को 32 और अन्य यानी तीसरा मोर्चा को 7% ही चांस दिखाई दे रहे। इस हिसाब से एनडीए को 331 सीटें मिल सकती है, यूपीए को 173 और अन्य की बात की जाए तो 38 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य ओपिनियन पोल के हिसाब से भी एनडीए को 318 सीटें मिलती नजर आ रही है। आज लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तब ये आंकड़े हैं, यूपीए को 118 सीट, अन्य की बात की जाए तो 107 सीटें मिलने की संभावना लोकसभा की 543 सीटों पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस तरह से यहां पर आज चुनाव तो एनडीए फिर से बहुमत का आंकड़ा हासिल करती नजर आ रही है, लेकिन यूपीए की सीटों में इजाफा जरूर है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी पीछे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आपको क्या लगता है क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस यहां वापसी कर सकती है? अगर बात की जाए तो यहां पर एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें 543 सीटों में मिल सकती हैं, यूपीए को कितनी सीटें और आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में से जिसका से अब विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है तो उसका कितना फायदा यूपीए उठा पाएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।